पाक समर्थित आतंकवाद का एक और नया चेहरा सामने आया है। कल रात मध्य रात्रि के उपरांत जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 विस्फोट हुए। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ पर हो सकता था। ये विस्फोट कैसे हुआ, किसने कराया, जांच का विषय है, जांच चल रही है, लेकिन काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और एक अटकल ये लगाई जा रही है कि ये शायद ड्रोन अटैक था। मेरी नजर में ये ड्रोन अटैक नहीं हो सकता क्योंकि ड्रोन इतना अंदर आए और ना पकड़ा जाए या ना पहचाना जाए, और खासकर जबकि कल चांदनी रात थी, कल मूनराइज 10:15 पे था और मूनसेट तकरीबन सुबह 4:30 था। इस पूरे समय में चांद की रोशनी थी। चांद की रोशनी में ड्रोन का आना और ना पकड़ा जाना काफी मुश्किल लगता है। तो क्या हो सकता है? मेरी नजर में ये बैलून अटैक है। आपको शायद याद होगा कि पिछले महीने और उससे पहले बॉर्डर के नजदीक और अम्बग्रोटा के इलाके में PIA मार्किंग के बैलून्स पाए गए थे और तब सभी अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि शायद इनसे IED भेजी जाएगी। मुझे लगता है कि कल रात जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है वो बैलून्स के जरिए ही हुआ है। पर लेकिन ये बैलून फेंके कहां से गए और उनको कंट्रोल कैसे किया गया, ये कह पाना अभी मुश्किल होगा। लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि बॉर्डर के ऊपर शांति रहे। पाकिस्तान एक तरफ तो सीजफायर करता है और दूसरी तरफ इस प्रकार की घिनौनी हरकतें करके भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज करता है। हमें सतर्क रहना होगा।